प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वस्थ भारत मिशन के तहत भारत को खुले में शौच मुक्त करने के लिए घर घर शौचालय बनवाने की बात जरूर कर रहे हैं और इसको सफल बनाने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा भी रहे हैं। लेकिन जिले में बैठे जिम्मेदार अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मंसूबे को पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला रायबरेली के महाराजगंज ब्लॉक के राघवपुर से देखने को मिला है, जहां आज भी लोग खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। दरअसल पूरा मामला महाराजगंज ब्लॉक के राघवपुर ग्राम सभा के देवीखेड़ा गांव का है। इस गांव में आधे से ज्यादा परिवारों को आज तक शौचालय तक नसीब नहीं हो सके हैं, जिसके चलते अभी तक लोग खुले में शौच जाने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं गांव वालों को माने तो अधिकारियों की मनमानी व लापरवाही के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि इस गांव में लगभग 70% अनुसूचित जाति व 30% पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर भी हैं। इसी कारण घर में शौचालय बनवाने में असमर्थ हैं। खुले में शौच जाने के कारण ग्रामीण बीमारी की चपेट में आ रहे हैं, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने ऑनलाइन पोर्टल पर भी की है, लेकिन सभी को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। इस पूरे मामले पर जब जिला अधिकारी नेहा शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह बहुत ही गंभीर मामला है, जिसकी जांच करवाई जाएगी। जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। विजय बहादुर कहाँ के रहने वाले? देवीखेड़ा राघोपुर के। क्या समस्या है सर? लाइटिंग हम लोग DM को दिया एप्लीकेशन, SDM को दिया, BDO को दिया और मुख्यमंत्री को तक का हम लोग एप्लीकेशन दिया जी जी, लेकिन पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। किस लिए? क्योंकि शौचालय के लिए हम लोगों को शौचालय के लिए बहुत दिक्कत है, यहाँ महिलाओं को लिए दिक्कत होती है जी जी, इसलिए बच्चों को दिक्कत होती है। इधर प्राथमिक विद्यालय बना हुआ है, इसके वजह से गंदगी बहुत है, बहुत सारे बच्चे बीमार हो रहे हैं इसके वजह से। नहीं प्रधान भी को, प्रधान को कई बार दिया गया है फार्म वार्म, लेकिन ये लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आपका? हमारा नाम प्रहलाद है। कहाँ के रहने वाले हैं? मिश्रण की प्रवा की। क्या समस्या है? अरे समस्या हम न चले फिर पाई न हमारा औरत चले फिर पाओ, मैं बुढ़ी करण हमारे बच्चे बच्चे यहाँ रहते हैं, हमको बहुत परेशानी पर कभी कभी कपड़े में टट्टी हो जाती है, जी जी हो जाती है जी जी, तो वहाँ चल नहीं पाते हैं जी जी, उसमें दिक्कत पड़ती है। यही कारण से आपके हम शौचालय को दफे दरखास्त दिया, दरखास्त में मानता नहीं हुई है जी जी, तो यही कारण से हम अनुरोध करते हैं आपसे शौचालय बनना चाहिए, जरूरी है। शांति देवी नाव है। कहाँ के रहने वाले? यही देवीखेड़े की। क्या समस्या है? हमको टट्टी की बहुत परेशानी है। हाँ लेटरिक हम बहुत बच्चा चल नहीं पाई थी, हमको लड़का टेकाव का ले जा। अच्छा, हाँ बेटा अभी तक मिले नहीं? सोचा नहीं बच्चा हमका नहीं मिला कुछ। तो उसके बारे में ये भी अभी आपके माध्यम से मुझे अवगत हो रहा है कि राघवपुर गांव है और वहाँ पर शौचालयों के निर्माण की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। अभी एक LOB जो लेफ्ट आउट बेनिफिशियरीज थे उनके लिए एक बहुत सघन अभियान चल रहा है, उसमें धनराशि भी अंतरित की जा रही है। मुझे एक बार इस प्रकरण को भी गंभीरता से दिखाना पड़ेगा कि अगर LOB में कई लोग यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं तो उनके खातों तक अभी तक धनराशि क्यों नहीं जा पाई है। ये कार्रवाई हम लोगों को 2 अक्टूबर तक पैसे पंचायती राज विभाग को सुनिश्चित करनी थी, तो ये भी गंभीर विषय है और मैं दिखवाती हूँ। इसमें निश्चित शौचालय से स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों जुड़ा हुआ है और राघवपुर में अगर सफाई नहीं होने की वजह से किसी तरह का डायरिया या कुछ फैला हुआ है तो स्वास्थ्य विभाग की टीम को भेज कर कैंपिंग कराते हैं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।